तो नाउ द वेट इज ओवर। दिखाते हैं स्कॉर्पियो एन, एक ऐसा मॉडिफिकेशन, एक ऐसा इंटीरियर का कस्टमाइजेशन जो शायद आपको दूसरे स्कॉर्पियो एन में अभी तक देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन जो कि एग्जैक्टली वाइट नहीं है, ये आइस ग्रे है। साथ में इसके अंदर हमने कार्बन वर्क किया है, स्टार रूफ, रोल्स रॉयस स्टाइल, एक बिल्कुल डिफरेंट लुक के अंदर हमने इस कार में करी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों का, आप सभी भाइयों का थैंक्स करना चाहूँगा जो कि ऑल ओवर इंडिया से स्काई कार को ट्रस्ट करते हैं। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर दूर से अपनी कार को मॉडिफाई कराने आते हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है आप सभी भाइयों को कि स्काई कार एक ट्रस्टेड ब्रांड है, जिनके हाथ में अगर हम अपनी गाड़ी देते हैं तो हमेशा जो है बेस्ट क्वालिटी का वर्क मिलेगा और स्काई कार से आप खुश होकर जाएंगे। तो आज एक नया मास्टरपीस रेडी हो गया दोस्तों, स्कॉर्पियो एन, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि इस कार का क्या आप अंदर से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, क्या इंटीरियर का कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। बहुत सारी कनेक्टिंग वीडियो आपने देखी होगी और आप सभी भाई बहुत एक्साइटेड हैं इस कार का अंदर से इंटीरियर देखने के लिए। तो नाउ द वेट इज़ ओवर। दिखाते हैं स्कॉर्पियो एन, एक ऐसा मॉडिफिकेशन, एक ऐसा इंटीरियर का कस्टमाइजेशन जो शायद आपको दूसरे स्कॉर्पियो एन में अभी तक देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, देखो दोस्तों कैसा लग रहा है, ये आपसे बाद में पूछूंगा। पहले कार का वॉक अराउंड करते हैं। एक यूनिक कलर कॉम्बिनेशन लिया है हमने इस कार का। सामने आपके रॉयल ब्लू कलर मिक्स्ड विद आइस ग्रे, पूरी डिटेल बताऊंगा ये इंटीरियर का कस्टमाइजेशन कैसे हुआ, किस लेवल पे हुआ, क्या क्या कैसे हुआ, पूरी डिटेल वीडियो में समझाऊंगा। पहले कार को देख लो पूरा, गाड़ी को पूरा देख लो हर एंगल से। बैक साइड है ये, ये हमारे साइड के डोर पैनल्स देख लो आप, फ्रंट का डैशबोर्ड देख लो आप, और सीट कवर्स देख लो आप। इस पूरे सेटअप में सबसे पहले तो ये एक एक चीज हमने पूरी खोल दी थी। खोलने में हमें लग गए लगभग 2 दिन। 2 दिन में हमने ये सारे डोर पैनल्स, ये साइड के पैनल्स, ये पूरा डैशबोर्ड का पैनल, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में ये पूरा सिस्टम खुला हुआ था। ये पूरा सेंटर कंसोल, डिक्की के पैनल्स, प्लास्टिक के जितने भी ट्रिम्स, ये सारे खोल दिए थे हमने इस कार के, जिसमें हमें 2 दिन लगे। और ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, टोटल कंप्लीशन टाइम जो हमारा रहा लगभग 8 to 9 डेज, समझ लो कि आपको 10 दिन के आसपास में ये पूरा का पूरा इंटीरियर जो है हमारा कस्टमाइज हुआ। अब जो नेक्स्ट गाड़ी करेंगे उसमें हमें 7 दिन लगेंगे, क्योंकि हमें आइडिया हो गया स्कॉर्पियो एन का कौन सा पैनल कैसे खुलता है। अब ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन जो कि एग्जैक्टली वाइट नहीं है, ये आइस ग्रे है। साथ में इसके अंदर हमने कार्बन वर्क किया है। इसकी पूरी डिटेल में आपको समझा देता हूँ। ये स्कॉर्पियो का बेस मॉडल है, बेस मॉडल वाली कोई चीज़ बची नहीं है इस कार के अंदर। ये पूरा जो डोर पैनल आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा टेक्सचर्ड पेंट हुआ है, ऑर्डिनरी पेंट से बहुत सुपीरियर फिनिशिंग देख सकते हो आप वीडियो के अंदर कि क्वालिटी क्या है। ये जैसे कंपनी के लेवल का काम होता है ना, ये पूरा का पूरा पेंट वर्क होने के बाद, इनफैक्ट टेक्सचर पेंट वर्क होने के बाद ओवन के अंदर इस पूरे के पूरे डोर पैनल को बेक किया गया है ताकि जो पेंट है वो लाइफ टाइम के लिए एक अच्छी क्वालिटी निकाल के दे आपको। तो बहुत बढ़िया लाइफ रहने वाली है। ये भी आप सभी दोस्तों के माइंड के अंदर क्वेश्चन आने वाला था, आगे मैं पहले ही आंसर कर रहा हूँ। ये जितना भी वर्क आप देख रहे हो इसकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, काफ़ी अच्छी लाइफ है, लॉन्गेटिविटी बहुत बढ़िया है। तो कॉम्बिनेशन देखो आप ब्लू आइस ग्रे का, और साथ में इसको कस्टमाइज किया है हमने हाइड्रो डिपिंग कार्बन फिनिश के अंदर। और बेस मॉडल के अंदर ये नॉर्मल ब्लैक आता है, तो इसको हमने जो डोर लीवर को है सिल्वर हाइड्रो डिप कर दिया है। तो ये हमारा पूरा थीम, हमारा कॉम्बिनेशन। अब अंदर की भी पूरी स्कीम समझ लो। ये सारे पैनल खोले गए थे, ये डैशबोर्ड का ये वाला पार्ट खोला गया था, ये सारे ग्लब बॉक्स को खोला गया था, इवन कि ये जो कनेक्टेड ट्रिम्स हैं ये सारे कंसोल के, इन सबको खोला गया था। और खोला है देखो कितना तरीके से और कितनी फिनिशिंग से वापस फिट कर दिया है। कोई बैठ के ये बता नहीं सकता कि ये कार कंपनी फिटेड ऐसे नहीं आई थी। ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी ने आपको सेम इसी कंडीशन के अंदर ये कस्टमाइज करके दे दी है। वापस एक एक पैनल को फिट कर दिया है हमने। जो पैनल हमने खोला था उसको ओरिजिनल कंपनी के तरीके से वापस फिट कर दिया है। कॉम्बिनेशन एंड थीम आप चेक करो। या ये जो सेंटर कंसोल के अंदर कार्बन वर्क हुआ है ना, ओहो, ये तो नेक्स्ट ही लेवल है। ये सामने जो पियानो आप देख रहे हो, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग, इस पियानो ब्लैक की फिनिशिंग कॉम्प्लीमेंटेड विद दिस कार्बन फिनिश। और ये सेंटर कंसोल को देखो आप, देखो पूरा थीम बना दिया इसका हमने। और ये जो साइड के ट्रिम है इसको भी हमने पूरे कॉम्बिनेशन के साथ में ब्लू एंड आइस ग्रे का कॉम्बिनेशन, साथ में हमारा सेंटर कंसोल, इसमें भी हमने आइस ग्रे। सीट कवर्स, सीट कवर के अंदर हमने वाइट थ्रेड यूज़ किया है ताकि जो हमारा थीम है वो कंप्लीट हो जाए। सिल्की नापा मटेरियल, एयरबैग फ्रेंडली, पूरा एयरबैग का सिस्टम इसके अंदर हमने जैसे कंपनी का था वो वैसे ही रहने दिया है। आजकल बहुत लोगों को फिक्र रहती है कि भैया मेरे एयरबैग खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, भगवान ना करे उसकी ज़रूरत पड़े, बट एयरबैग फ्रेंडली हैं। और ये देखो क्रिस क्रॉस डिज़ाइन, देखो कितना सुंदर लग रहा है, अ ब्यूटीफुल लुक। इसके अंदर देखिए कितना बढ़िया कुशनिंग की है हमने, देख रहे हैं आप ये कितनी बढ़िया कुशनिंग है। तो कंफर्ट भी बढ़ा दिया है, जेन्युइन कंपनी की सीट्स का कॉम्बिनेशन भी कर दिया है, मटेरियल भी सिल्की नापा यूज़ किया, और फिटिंग देखो कितनी बढ़िया। एक नॉर्मल जो ब्राउन कलर का इंटीरियर कंपनी से आता है उससे देख लो कितना अपग्रेडेड लग रहा है। कितनी एक अलग ही फील है इस कार की, मतलब गाड़ी में बैठो तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी कोई और ही इम्पोर्टेड कार की फील आ रही है मेरे को इस कार के अंदर। देखिए गियर बूट, गियर नॉब, स्टीयरिंग देखो, देख रहे हो स्टीयरिंग बिल्कुल बढ़िया, लेदर ग्रिपिंग है। इवन कि हमारे जो सेंटर का एयर बैग पैड है उसको भी हमने ब्लू कर दिया है। और पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो लग रही है ना कार कितनी रॉयल, कार्बन फिनिश के साथ में तो और अच्छा लुक आ गया। अब मैं आपको एक बार बैक साइड से भी दिखाता हूँ लुक, देखिए। फिनिशिंग एंड फिटिंग की क्वालिटी देखिए। गाड़ी जैसे हमने खोली थी, सबसे बड़ी आप लोगों को एक माइंड के अंदर वरी रहती है, यार इतना कुछ खोल दिया, देख लो वापस फिट कर दिया सब कुछ वैसे ही। सीट कवर्स की फिटिंग चेक करो। ये सेंटर कंसोल का आप लुक देखो, ये भी इसके बीच में हमने कार्बन एलिमेंट डाल दिया है। ये पूरा कंसोल खोला था, इसको पूरा वैसे ही टेक्सचर ब्लू कर दिया है, हर चीज़ अपनी जगह पे वैसे ही इंटैक्ट कर दी है। और अभी आपको बहुत स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ जो कि इस कार के लिए एक बहुत बड़ा शो स्टॉपर है। ये रूफ देख रहे हो जो अभी आपको ब्लैक दिख रही है, इसमें दिखाता हूँ क्या स्पेशल चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये छोटे छोटे पार्ट्स भी आप देखिए, ये ट्रिम देखिए कैसे पूरा प्रॉपर, ये भी हमने सेम इसी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर पूरा पेंट जॉब किया है यहाँ पे भी। ये अंदर के भी आप ट्रिम्स देखिए, ये भी पूरे हमने कंप्लीट इसी थीम में ले लिए हैं। और ये बैक साइड के भी आप सीट के ट्रिम्स देखिए, मतलब इन चीज़ों को हमने छोड़ा नहीं है कोई। आप सीट के अंदर के इनसाइड के पैनल्स भी देखिए, दिखाइए सीट के अंदर के इनसाइड के पैनल। इवन के हमारे ये जो पिलर ट्रिम्स हैं, ये पिलर ट्रिम्स भी हैं देखिए, पूरा कॉम्बिनेशन में है हमारा आइस ग्रे एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में, देख रहे हैं आप। अब दिखा दें आपको एक बहुत बढ़िया चीज़, देख के आपका मन खुश ना हो जाए तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में किस कार के मॉडिफिकेशन में कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा टॉप लगी हमारी। ये मैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, चाहे इसका इंटीरियर वर्क है, चाहे कॉम्बिनेशन है, बहुत सोचा है। तो आप देखो, अब एक बहुत बढ़िया चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। देखो, स्टार रूफ रोल्स रॉयस स्टाइल, एक बिल्कुल डिफरेंट लुक के अंदर हमने इस कार में करी है। पूरी आपको डिटेल समझाता हूं। इसके अंदर जो हमने स्टार रूफ लगाई है, उसमें हमने लगाई है 1600 पॉइंट्स की स्टार रूफ। 1600 पॉइंट्स आप देख रहे हो। और एक नॉर्मल स्टार रूफ से आपको एक इसके अंदर बहुत स्पेशल चीज़ बताता हूँ। इसमें देखो आपको मल्टी कलर स्टार रूफ मिल रही है, मतलब एक साथ में आपको दो कलर मिक्स होके मिल रहे हैं। बीच में आपको ब्लू डॉट्स भी दिख रहे होंगे और साथ में पिंक एंड रेड डॉट्स भी दिख रहे होंगे। ये डुअल कॉम्बिनेशन की स्टार रूफ लगाई है इसके अंदर हमने। तो कोई भी स्टार रूफ में आपको एक साथ दो कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिलते हैं, एक ही कलर होगा। रेड तो रेड, ब्लू तो ब्लू, ग्रीन तो ग्रीन, या येलो तो येलो, यानी कि एक ही पूरा स्टार रूफ का एक ही थीम रहेगा। इसमें डबल कॉम्बिनेशन है, मतलब मैं एक साथ में कोई भी कलर कॉम्बिनेशन को मिक्स कर सकता हूँ। ये एक स्पेशल स्टार रूफ है हमारी, जो कि आप कह सकते हो कि खुद हमने अपने दिमाग से लगाकर इसको डुअल कॉम्बिनेशन किया है। इस पर भी काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी, बट फाइनली मेरा मन था कि मैं एक साथ में दो कलर को मिक्स कर सकूँ, वो मिक्स कर दिए। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ शूटिंग स्टार, आपको दिख गया होगा अभी तक। देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार चलेगा, ये देखिए ये आ गया शूटिंग स्टार, देख रहे हैं आप। इस शूटिंग स्टार का भी अपने आप में कितना बढ़िया एक अलग ही फील है। तो ये स्पेशल स्टार रूफ हमने इसके अंदर लगाई है। अब आप सभी भाइयों को पता है कि स्कॉर्पियो की छत कितनी बड़ी है, और आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि कहीं पे कोई पोर्शन खाली है। पूरे एक एक जगह के ऊपर पूरा फुल डॉट्स हैं। ये मैंने पहले अपने दिल में सोच लिया था कि कहीं से ऐसा ना लगे कि स्टार रूफ तो लगा दी इतनी बड़ी छत पे, बट वो कहीं पे सूट नहीं कर रही, सेट नहीं हो रही। तो एक एक पॉइंट जो है वो सूट कर रहा है, मल्टी कलर और ज़बरदस्त लग रहा है। और साथ में जो शूटिंग स्टार है उसका और ही बहुत बढ़िया लुक आ रहा है। देखो, अब ये स्टार रूफ जो है आप किसी भी कार में लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्कॉर्पियो में लगा रहे हैं तो किसी छोटी गाड़ी में नहीं लगा सकते। भले ही आपके पास सेंट्रो, ऑल्टो, उसमें भी आप ये इतनी बड़ी लग्जरी चीज़ का एक अच्छा फील ले सकते हैं। तो फील फैक्टर अगर आपको चाहिए आपकी कार में, तो ये स्टार रूफ अपनी कार में लगवाएं। 600 डॉट से स्टार्ट हो जाती है एंड इट गोज़ अप टू 2000 डॉट, डिपेंड करता है जितने डॉट्स लोगे उस हिसाब से प्राइस होगा। तो ये एक जिसको कहते हैं ना कि कार के अंदर बैठ के एक छू जाने वाली फील, वो फील आ रही है इस कार के अंदर। हालांकि अभी भी आप देख सकते हो कि दिन की कितनी रोशनी है, डे लाइट है, और डे लाइट होने के बावजूद भी कितना फील आ रहा है इसका। और इसके अंदर आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप इसमें सेट कर सकते हैं, कोई भी कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और बहुत अलग अलग मोड्स में सेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं क्या ही बोलूँ इस कार के इंटीरियर के पूरे फुल ओवरऑल कस्टमाइजेशन के बारे में। आपने सब कुछ देख ही लिया है, चाहे हमारी ये स्टार रूफ है, चाहे हमारा ये पूरा इंटीरियर वर्क है, चाहे हमारे ये कलर कॉम्बिनेशन है, चाहे इसमें यूज़ किया हुआ मटेरियल है। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में, या कोई भी आप चीज़ पूछना चाहते हो, प्राइस को पूछना चाहते हो, तो आप हमारे को कॉल कर सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए आप हमारे को कॉल कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी कार हो, आप हमें कॉल कर सकते हो। और ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को अपने कार के हिसाब से, क्योंकि हर कार का प्राइस अलग है, वो आप अपने प्राइस कोट ले सकते हो। सीरीज़ ऑफ वीडियोस आती रहेगी, क्योंकि इस कार में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है। चाहे इसके एलॉयज देख लो, इसके अंदर जो ऑडियो जो हमने वर्क किया है वो भी एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी कि क्या इसके अंदर हमने पूरा ऑडियो का काम किया हुआ है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या एम्पलीफायर है, DSPs है, बहुत कुछ है इस कार के अंदर, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ एक ये जो वर्क है, एक ये जो हमारी मेहनत है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस तरीके के वर्क को कराने के लिए 7 डेज़ टू 10 डेज़ का वर्क ज़रूर स्पेयर कर लें। डिपेंड करता है कार के ऊपर, अगर कार बड़ी है तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगा के चलें और 2 दिन पहले आने से पहले आप अपना टाइम बुक कर लें ताकि आप भी कंफर्ट जोन में रहें और हम भी रहें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ वर्क जो है वो प्लान रहता है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत थैंक्स है आपका जो इतना सपोर्ट मिलता है और आपका जो इतना एप्रिसिएशन मिलता है। ये आपका एप्रिसिएशन ही है, ये आपका प्यार ही है जो हमें ऐसी चीज़ बनाई है। और भी बहुत सारी गाड़ियों का हम बना के आपको दिखाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी 3 से 4 गाड़ियों का ऑर्डर आ चुका है अभी वीडियो डालने से पहले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।